बेटा वो बैन हो गया। क्या बैन हो गया पापा? अरे बेटा वही जिस पे लोग वीडियोस बनाते थे, वो आड़े टेढ़े मुंहों वाली। क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा वही कुछ टकाटक जैसा था शायद, कुछ टकाटक। टकाटक? अच्छा, तो आप टिकटॉक की बात कर रहे हो, टिकटॉक बैन हो गया। हाँ, टिकटॉक, वही वही। पर क्यों हुआ ऐसा? अरे बेटा जब ऐसी वीडियोस बनाएंगे तो बैन ही होगा ना, और क्या होगा। अरे भाई रुक जा, कुछ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। अरे पापा ये तो पागल हो गए, ये क्या वीडियो बना रहे हैं, ये ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं। लेकिन पापा मुझे नहीं लगता कि ये कोई रीजन है बैन होने का, ऐसी वीडियो बना रहे हैं। अरे बनने या मर्जी उनकी, चाहे जैसी वीडियो बनाए। हाँ पता है बेटा, ये तो कोई रीजन नहीं होता। एक्चुअली इसके बैन होने का रीजन ये है कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट में इस पे केस चला था कि टिकटॉक में अब सेक्सुअलिटी कंटेंट ज्यादा हो गया है, वही अजीब से गंदे गंदे वीडियो इसमें ज्यादा आने लगी है, इसीलिए इसको बैन कर दिया। अच्छा तो इसका मतलब फिर ये तो गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से भी हट गया होगा। हाँ। लेकिन पापा जो अपने फोन में टिकटॉक यूज कर रहे हैं, जिनके फोन में टिकटॉक इंस्टॉल है, अब उनका क्या, उनका कैसे हटेगा? वो फोन में तो यूज करते ही रहेंगे वरना टिकटॉक आगे तक। क्योंकि बेटा अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को पता चलेगा कि टिकटॉक को आगे रखना है या क्या करना है, या आगे क्या कार्रवाई होती है। अच्छा तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा 22 अप्रैल को, फिर पता चलेगा कि आगे क्या होगा। हाँ। तो पापा अब क्या करना है आगे? टिकटॉक बैन क्यों हुआ? अगर आपको ये बात एक फनी वे में जाननी है तो इस वीडियो को शेयर करना है, और क्या करना है पापा, बस शेयर करना है। नहीं, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आगे इस चैनल पे ऐसी ही फनी वीडियोस आती रहेंगी।